हाँ हम ब्रह्मास्त्र में से शुरू होता ज्ञान आगे किसी गुरु के चपेट में पड़ गई हो बचाओ अपने को। हम ब्रह्मास्त्र में यहाँ फिर हैं बैठ गार्ग्यय तत्वज्ञ थी या नहीं बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी गार्गी महाभारत में सुलभा ये सब के सब तत्वज्ञ महिलाएं थी देवियां थी। गार्गी का नाम सुना है बृहदारण्यक उपनिषद में यशोगान है। याज्ञवल्क्य के सामने कितना प्रश्न किया गार्गी ने मैत्रेयी गार्गी महाभारत में सुलभा सिद्ध योगिनी थी। देवियों में भी एक से एक तत्वज्ञ योग वासिष्ठ में भगवान रामभद्र की माताओं को जीवन मुक्त तत्वज्ञ माना गया है। देवियां तत्वज्ञियाँ होती ही हैं होती थी होनी चाहिए आज भी हो सकती हैं। देवियां तत्वज्ञ होती हैं ब्रह्मवादिनी होती हैं। ब्रह्मवादिनी शब्द का प्रयोग आया है उपनिषदों में और जगह भी। देवियां तत्वज्ञ हो सकती हैं उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति कोई भी हो गुरुमुख से तत्व का श्रवण करने पर तत्वज्ञ हो सकता है। देवियां भी तत्वज्ञ होती रही हैं हो सकती आगे।